डेज इन बाली। तो अभी वहाँ जा रहे हैं जो कल हम जा नहीं पाए थे, जहाँ बंद था, और आज टाइम से उठ गए थे, 6 बजे उठ गए थे। अभी अराउंड टाइम हो रहा है 7:20। तो यहाँ से अराउंड 15-20 मिनट का रास्ता है बाय स्कूपी। यहाँ नॉट स्कूटी चलती है, स्कूपी चलती है। तो स्कूपी से तो होपफुली टाइम से पहुँच जाएँ और वहाँ हमें सीट मिल जाए, क्योंकि वहाँ रिजर्वेशन चलती है। बट ये भी साथ साथ रूल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसलिए जल्दी जा रहे हैं ताकि चाहे वेट भी करना पड़े चल जाए, क्योंकि वो मिस करने वाली जगह नहीं है, राइट। तो अभी फटाफट रिसेप्शन से हेलमेट लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं वहाँ पे। मतलब जैसे तमन्ना का ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी ना, बाली मेरा ये वाला प्लेस ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। तो फाइनली टिकट ले दी है, अर्ली मॉर्निंग आ गए हैं, सब कुछ हो गया, ओके अब जा रहे हैं अंदर। हेलो, वी आर गोइंग टू आवर स्विमिंग पूल एंड रेस्टोरेंट फर्स्ट। यस, दिस वे प्लीज। या थैंक यू सो मच। भाई अभी दिखाता हूँ, इतने जा रहे हैं अंदर, जा गए होंगे नीचे जाके, बहुत तगड़ा प्लेस है बाली में। हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? Yes. जो एरिया और हमने ये हट बुक कराई है एरी, तो ना जाके बैठ के दोनों यहाँ बैठेंगे और अभी चलते हैं पूल वगैरह में। पूल वगैरह से आ गए हैं और तमन्ना कह रही है मुझे बाली स्विंग लेना, यहाँ पे स्विंग मिल गया, जिनका क्रेट आया वाला गाई है, तो वहाँ चल रहे हैं अभी स्विंग, इसको लेना है, मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं थोड़ा इसको घुमा के फिर दोबारा पूल में डुबकियाँ मारेंगे भाई। इन बैक, पीछे हो, पीछे लीनो, लीनो बोल रहे हैं, और लीनो पीछे, बैग पीछे हो जा, पीछे 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 पीछे। Guys, what a wonderful place it is. तो इतना मन लग गया ना यहाँ पे, मतलब ऐसा है कि आओ सुबह 7-8 बजे और पूरा दिन स्पेंड करो, तो वेरी ब्रीजी काम वॉक है ना, तो ना तो गाइस ये देखो, तो मना वेट करिए, कह रही मैं उधर जाऊंगी उस केव के अंदर, इतना शौकीन है ना बच्ची है पूरी, भाई आई स्विंग का थका दिया इसने मेरे को। तो गाइस अभी निकल रहे हैं यहाँ से और सेमिनार जा रहे हैं, ठीक है, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ना, ग्रेट एक्सपीरियंस, वो बहुत बहुत पीसफुल है, बहुत ज्यादा पीसफुल है, और मैं यहां महीना भी निकाल सकते हैं, इतना वर्दी है ऊपर, बहुत ज्यादा वर्दी होगा यार। हाँ सेमिनार जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं, कैब मैंने बुक कर लिया, आ रही है। बाय बाय रूम, वी आर लीविंग द प्रॉपर्टी एंड इट वाज वेरी नाइस स्टेइंग विद यू, थैंक यू, वेरी प्लेजेंट स्टे हियर, थैंक यू, वी एंजॉयड अ लॉट, वेरी पीसफुल सर। गाइस मैं ये रिकमेंड करूंगा, बॉस द संकारा, बहुत ज्यादा पीसफुल है, बहुत ज्यादा पीसफुल, अगर किसी ने आना तो बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत ज्यादा 5-स्टार रिकमेंडेड। बाय बाय, बैठ गए हैं कैब में और काफ़ी मज़ा आता है ना बात करके लोगों से, बहुत प्यारा बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। तो अभी जा रहे हैं सेकंड डेस्टिनेशन, देखते हैं वहाँ विला कैसा होगा, कल साइलेंट डे है, कल होटल से निकल नहीं सकते, तो हमने करना क्या, वहीं पूल में चिल करना है, चलते हैं और देखते हैं वहाँ कैसा रहता है। हैव अ ग्रेट डे, बाय, बाय बाय। We have arrived our second destination. तो गाइस जा रहे हैं हम अपने रूम में, रूम की अलॉट हो गई है और आपको रूम टूर देता हूँ जाके।
देखते हैं कैसा। मैंने भी अभी नहीं देखा क्योंकि फोटो तो देखा था, लेट्स सी कैसा आ रहा था। तो गाइस ये देखो अंदर घुस गया, अंदर घुसते ही क्या सरप्राइज मिला भाई। ये देखो ये है सिटिंग एरिया, तो ये प्राइवेट पूल और ये सिटिंग एरिया, और ये देखो भाई क्या मस्त। आगे चलते हैं, देखो कितना सही है अंदर। ये ना 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 ना, ये अंदर घुसे। ओ माय गॉड गाइस देखो, दिस इज आवर विला फॉर नेक्स्ट 3 डेज। तो वरना सी हाउ इज इट, बेडरूम कहाँ है इसका। ओके व्हाट इज दिस, वॉशरूम एरिया, लेट्स सी दिस इज वॉशरूम एरिया। ओ भाई यहीं से पूल का एक्सेस है, ये देख जकूजी, सीधा 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 पूल में डायरेक्ट। वेरी लवली। अब चलते हैं आगे अपने, ये वार्डरोब वगैरह सब है यहाँ पे दिया हुआ। ये मेरे का सी बेडरूम, दिस इज अवर बेडरूम, किंग साइज बेड। और ये सामने ये सारा सामान है जो टीवी वगैरह ये रहा। और ये है डाइनिंग टेबल, दिस इज अवर डाइनिंग टेबल, और दिस इज अवर किचन एरिया। ये देखो चिमनी, ये गैस स्टोव, ये फ्रिज, फ्रिज हाँ यहाँ कट सब कुछ है। तो मतलब बेसिकली सीन क्या ना गाइस, ये देखो ये है विला प्रॉपर, कि बहुत ही तगड़ा विला। अंदर घुसते ही मतलब थकान सब खुश हो गया मन, ये कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी मिले हमें। अब सीन क्या ना, कल है इनका साइलेंट डे, कल पूरा बाली पूरा ना पूरा इंडोनेशिया बंद रहने वाला, क्योंकि ये नेपी फेस्टिवल है जो यहाँ का नेपी फेस्टिवल, वहाँ पे वो साइलेंट डे की तरह मनाते हैं, कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, वी हैव टू स्टे इन अवर रूम, ठीक है। तो उसके लिए हमारे लिए तो बहुत परफेक्ट है, अभी मार जाएंगे कुछ कुकिंग के लिए, तो मरना जो कुछ कुकिंग के लिए के बोले कि मैं इसको बोलूँगा बना बनू देगी, क्योंकि हम पूरा दिन यही स्पेंड करने वाले हैं कल। कल फुल फन करना, सिर्फ होटल में हमें कहीं जा नहीं सकते, तो उन्होंने पहले क्योंकि मैं मुझे पता था ये मैं पढ़ के आया हूँ, बट ये हमारे लिए बहुत सही है, रिलैक्स भी हो जाएंगे और विला भी ऐसा है ना, कुकिंग भी कर लेंगे यहाँ पे, मैं भी देखूंगा क्या सीन है, क्या सिस्टम है, कैसे मिलता है यहाँ पे प्याज टमाटर सब कुछ, क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो चाहिए हमें, राइट। मैं बैग टांग के घूम रहा हूँ, रुको मैं बैग था तुम, तो उसके अकॉर्डिंग भाई एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। मतलब ऐसा मैं जिंदगी में मतलब 5 या 7 स्टार प्रॉपर्टी दूंगा इसको, 7 स्टार, और ऐसे विला में मैं आज तक नहीं रहा, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। यहाँ से देखो, यहाँ से ये, यहाँ से सीधा यहाँ भी जा सकते हैं बाहर चिल करने के लिए, अंदर भी आ सकते हैं। तो गाइस अभी थोड़ी देर आराम करते हैं और देखते हैं, बाहर जाऊंगा मार्केट को दिखाता हूँ, अभी थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, अभी जैसे अंदर घुसे हैं तो बाहर जाएंगे तो मिलता हूँ। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम सामान लेने, क्योंकि अभी इन्होंने इन्फॉर्म करा है क्योंकि 6 बजे ओगो फेस्टिवल जो यहाँ पे फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, तो तब तक मार्ट्स होंगे क्लोज हो जाएंगे। तो वी आर गोइंग टू गेट आवर ग्रोसरीज, ताकि हम कल अपना आराम से घर यहाँ बैठ के चिल कर सकें। खुद बनाएगी तो मरना मस्त खिलाएगी मेरे को भी, सब कुछ जो दिया हुआ उन्होंने, राइट ना ही उसकी प्लेट व्लेट सब दिया हुआ, ये हेलमेट मेरा। तो फटाफट ले आते हैं और उसके बाद यहाँ कुछ खाते पीते हैं, आके फेस्टिवल देखने जाएंगे, उसके बाद फिर परसों मिलेंगे, परसों जाएंगे बाहर। नमस्ते। तो यहाँ आए थे, इतने प्यार से नमस्ते बुला रहे हैं, यहाँ पे हम शॉपिंग साथ करके, ये होटल के पास ही था। ओम स्वास्थ्यास्तु, ओम स्वास्थ्यास्तु। ओके यहाँ आए थे गाइस, ये बता रहे हैं हमें कैसे नमस्ते और ये सब ग्रीटिंग का। यहाँ काफी सही चीजें हैं यार, देखो प्रिंगल्स भी मिल गए इंडिया के, सामान तो ले लिया है, देखो फुल थैली भर गई है। बट सीन क्या है ना, अभी हमने कंफर्मेशन ले लिया है कि 10 बजे ही बंद होगा, हमें अभी थोड़ा कह दिया था ऑटो वालों ने कि जल्दी, बट ठीक है जितना नेसेसरी था तब ले लिया है, बाकी जो ओट वगैरह चाहिए ब्रेड वगैरह यहाँ नहीं मिली, वो थोड़े दूर वाले शोरे मिलेगी। तो चलते हैं वापसी होटल में, फिर बाद में आएंगे शाम को। वी आर ऑन द स्ट्रीट ऑफ 7 यहाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग है, लेट मी शो यू अराउंड। इतनी भीड़ हो गई यहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ है, कुछ ओगो ओगो फेस्टिवल जिनका फेमस है, और भीड़ देख लो कितनी ज़्यादा है।